मैंने कहा था ना कि ये बच्चे हमें पागल करेंगे, देख लियो ना। अरे बच्चे हैं, वो नहीं दौड़ेंगे तो क्या हम और आप दौड़ेंगे? ठीक है, अभी पूरा दिन बाकी है। जब दिन खत्म होएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम मेरे साथ अग्री करोगी। आप अपनी बात कीजिए, सिर्फ मेरी बात मत कीजिए। मैंने तो कार्तिक और आयशा को संभाला है, आप जानते नहीं वो कितने बदमाश थे बचपन में। और वैसे भी मैंने आपसे कहा ना, अगर मैं आपको संभाल सकती हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी बच्चे को संभाल सकती हूँ। ए ए बच्चों सुनो मेरी बात, रुको रुको। अरे यार सुनो, 15 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलना सब लोग, ओके? आ जाए। आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट है वो पास्ता है और ये मफिन्स बनाए हैं। अरे शिप्रा, ये सब क्या है भाई? क्या है का क्या मतलब? इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, स्पेशली मैंने आयशा जी के लिए बनवाया है। अरे सो स्वीट ऑफ मामा, थैंक यू। माय प्लेजर बेटा, माय प्लेजर मिस वर्ल्ड। हाँ लेकिन शिप्रा, ये अचानक इतना बड़ा चेंज। सुधीर, जब अपनी आयशा की लाइफ इतनी तेजी से बदल रही है तो उसका रहना सहना भी तो तेजी से बदलना चाहिए ना। अब वो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलेगी, इतने सारे इनविटेशंस, इतनी सारी पार्टीज, अब वहाँ कोई से सब्जी रोटी तो मिलेगी नहीं, उसे तो यही सब खाने की आदत डालनी चाहिए ना, क्यों आयशा? बेटा नताशा को बुला, वो उसी की स्टाइल का नाश्ता बनाया तेरी माँ ने। पापा वो अभी कुछ देर पहले तक सो रही थी, फिर भी एक बार आवाज देते तो। नताशा, नट्स, नताशा, नताशा। अरे मुश्किल से एक दिन तो छुट्टी मिली है, मैं नहीं उठने वाली। तू भी कमाल करता है बेटा, अभी तो 9 ही बजे हैं, उसकी तो आधी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, सो ले देना बेचारी को। अरे शिप्रा, तुमने नाश्ता तो आज बहुत बढ़िया बनाया है, मानना पड़ेगा तुमको। हाँ लेकिन ये इसमें ब्रेड में बटर तो है ही नहीं है। आयशा जा बेटे, बटर लेके आ दो थोड़ा, जा 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 जा। पापा आपके टोस्ट पर तो ऑलरेडी बटर लगा हुआ है, और ज़्यादा बटर खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी सुबह से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। अरे बेटे बीपी का ऊपर नीचे होना बेहद ज़रूरी है, वही तो इंसान के जिंदा दिल होने का सबूत है। ये देखो पापा, उसने इस कुल्फी को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसी की ऐसी पड़ी। छुएगी कैसे? उस जैसे हाई स्टैंडर्ड की लड़की डाउन मार्केट की चीजें खाएगी? ऐसी बात क्यों बोल रही हो? अरे भूल गई होगी बेचारी, खा लेगी अभी। उससे शर्त लगवा दो, वो ये कुल्फी कभी नहीं खाएगी। आयशा वो खाएगी, जरूर खाएगी। क्या बात है कार्तिक, क्यों आवाज दे रहे थे? अरे माँ ने आज सारा का सारा खाना तुम्हारे लिए बनाया, इसीलिए आवाज दे रहा था। आओ ना खाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। गर्मी है, गर्मी तो बहुत है ना पापा, पर अंदर रखी हुई कुल्फी अभी भी सुपर कूल है, लाइक सामान सुपर कूल। अब छोड़ ना आयशा, चल अब जल्दी से नाश्ता खत्म कर, हमको शॉपिंग के लिए भी चलना है। और हाँ कार्तिक बेटा, वो 2 घंटे बाद पापा को ध्यान करके दवाई दे देना, ठीक है? भूलना नहीं। माँ लेकिन मैं तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। तो अच्छा छोड़, तू छोड़। आयशा बेटा तू अकेली शॉपिंग करा, मैं यहाँ बैठती हूँ। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? अरे भाई मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी दवाई नहीं ले सकूँ? तुम लोग जाओ, दवाई ले लूंगा मैं अपनी। नहीं पापा, एक तो आज सुबह से आपकी तबीयत खराब हो रही है, आज आप अकेले घर पे नहीं रहेंगे। अरे बेटा तो मैं अकेला कहाँ हूँ घर पे, नताशा है ना। अरे नट्स तो है ही। हाँ नट्स, तुम आज पापा का ख्याल रखना, उनको टाइम से दवाइयाँ दे देना।
Why not? मैं पापा को दवाइयाँ दे दूँगी। देखा शिप्रा, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, है ना बेटा? Thank you. Yes, ma'am. ये रही आपकी कमरे की चाबी, जाइए आराम करिए, रिजॉर्ट घूमिए, जो भी करना है करो। मैं बस दो घंटे में कॉन्फ्रेंस खत्म करके यहीं तुम्हें 2 बजे मिलूंगा। ये तुम लेट नहीं करोगे ना आज? अरे नहीं करूंगा यार, बस यूं गया कॉन्फ्रेंस खत्म किया और सीधा यहीं आऊँ। और उसके बाद पता क्या, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह ढूंढ के निकाली है लंच के लिए। कहाँ? वहीं लंच करेंगे, सरप्राइज है। हैप्पी एनिवर्सरी। एक्सक्यूज मी, आप लोगों के रूम्स में बाथटब है? थैंक यू। बबल बाथ। ब्रेड है, टोस्ट किया भी है, प्लेन भी, ओके। जैम है, बटर है, दलिया है, फ्रूट्स हैं और सैंडविचेस भी तैयार करके रखे हुए हैं और कॉर्नफ्लेक्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ठीक है, मम्मी ने जो कुछ भी मुझे बताया था ना तुम लोगों को पसंद है, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। अच्छा, तुम लोग हाथ धो के आए हो ना? आंटी, हम हाथ धोकर आ गए। वेरी गुड, चलो लेट्स स्टार्ट ब्रेकफास्ट। एक मिनट आंटी। हाँ, ये क्या था? मम्मी ने सिखाया है कि हमें खाना खाने से पहले गॉड को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि ये खाना हमें उन्हीं की वजह से मिल रहा है। That's so sweet. कितना अच्छा है ना? शुरुआत में सबको अच्छा ही लगता है, बाद में इन सबकी असलियत बाहर आती है ना। चलो शुरू करो। I don't want this. I want muttery. नहीं, मुझे कस्टर्ड एप्पल चाहिए। अरे लेकिन मामा ने एक मिनट, देखो प्रिया आंटी ने बहुत प्यार से ये सब कुछ तुम लोगों के लिए बनाया है, इसलिए ये ही खाना पड़ेगा। और देखो हम दोनों भी तो यही खाएंगे ना। ओके अंकल, लेकिन आंटी मुझे सैंडविच नहीं पसंद है, टोस्ट जैम दीजिए ना। टोस्ट भी यही है, जैम नहीं, मैं जैम लेके आती हूँ। 2 मिनट्स। हाँ, जब तक मैं आती हूँ तब तक अंकल आपको ब्रेड पे बटर लगा के देंगे, ओके? अरे मैं क्यों लगा के दूँ यार, वो ये बड़े हो गए खुद लगा सकते हैं। अभी आते। अंकल घर पर हमें डैडी बटर लगा के देते हैं। अच्छा, तुम्हारे डैड की तो ना लगाता हूँ। नहीं, मुझे बटर नहीं चाहिए। आई वांट जैम, जस्ट जैम। ओके। स्ट्रॉबेरी नहीं, आई वांट पाइनएप्पल जैम। पहले नहीं बता सकते थे? अंकल आई वांट पीनट बटर। अबे यार, अब ये पीनट बटर भी, ओफो। बहुत अंकल, आपको ब्रेड पर जैम और बटर भी नहीं लगाना था, ये सब तो मैं भी खुद कर सकती हूँ अकेली। तो पहले क्यों नहीं बताया, खुद करो ना फिर। अभी मूड नहीं है ना अंकल, भूख लगी है, टोस्ट दो ना। अबे दे रहा हूँ, सांस तो लेने दे। नहीं, पहले टोस्ट। अरे चुप कर यार। ओके, मेरे बाप अब तू रो क्यों रहा है? आपने मुझे डांटा, मैं आपकी शिकायत प्रिया आंटी से करूंगा। ये धमकी दे रहा है, प्रिया से डरता नहीं हूँ मैं। आंटी। चलो जैम आ गया। वाह, बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट खिलाए जा रहे हैं। हाँ, वो तुम ही कह रही थी ना कि इनके माँ बाप नहीं है तो हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खेल हो जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज। हाँ, किसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली बच्चों की, और किसकी, आपकी थोड़ी। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अभी 1 घंटे की शांति। हाँ मिस्टर कपूर, नेहा और विक्रम बच्चों को हमारे भरोसे छोड़ के गए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, आपको उनके साथ लगना पड़ेगा। और मैं थोड़ी कह रही हूँ कि बाहर धूप में गार्डन में ले जाइए, हॉल में ही थोड़ा सा खेल लीजिए ना उनके साथ। आपने देखा है ना,
विक्रम कैसे बच्चों के साथ हमेशा लगा रहता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कम ऑन ऐसे थोड़ी करते हैं। इतना तो हम अपने दोस्तों के लिए कर ही सकते हैं ना यार। मुझे नींद आ रही है प्रिया, एक ही तो दिन छुट्टी मिलती है मुझे, आज संडे है यार, लेट मी स्लीप। आई नो, मैं समझती हूँ, थकी तो मैं भी बहुत हूँ, मुझे भी तो आराम करना है, लेकिन एक ही दिन की तो बात है, अब हमने जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा भी करना चाहिए ना। हंसते हंसते करेंगे ना तो ये फील भी नहीं होगा और खट करके दिन पूरा निकल जाएगा। कम ऑन, चलो बच्चों। Thank God, सब ठीक गया। I think we were spot on. Absolutely. आने दो। Harry, Bob, I'll just see. Sorry. एक घंटा लेट हो गया। I'm sorry. But चलें। ता। लंच पे यार भूख लग रही है ना, इतने सारे प्लान्स हैं हमारे। वो सब रहने दो। पहले तो मुझे ये बताओ, वो हॉट लड़की कौन थी? कौन हॉट लड़की? जिसे तुम अभी बात कर रहे थे हंस हंस के, वो भी कौन है यार? वो लड़की, वो हाँ, आरी आरी। एक्सक्यूज मी, सुना था तुम्हारे बारे में, आज फाइनली मुलाकात हुई। यू नो यू आर अ वेरी लकी गर्ल कि तुम्हें विक्रम जैसा हस्बैंड मिला है। ही इज सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, अगर ये नहीं होता ना तो पता नहीं कंपनी में अकेले कैसे चलाती। पर तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, ये ना ऑफिस में तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेन करता है। अरे मैंने कब कंप्लेन की यार? I'm kidding. He's a superb team player and an excellent worker. Really. अच्छा, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो है ठीक है। Come on, Vikram. Stop being modest. You know you deserve it. ठीक है, फिर promotion कब है मेरी? Oh, sorry. Excuse me, guys. We are leaving. चलें। कहाँ? Lunch पे नहीं यार, भूख लग रही है यार। चलो ना, अब कम ना, लेट्स गो। चलो चलो भाई, अब आप लोग खेलो और मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को देखूंगा। ओके? नॉट ओके। क्यों? हम कभी अकेले नहीं खेलते, हर संडे को डैड भी हमारे साथ खेलते हैं। यार देखो, तुम्हारे डैड जो है ना वो सुपर ह्यूमन है, लेकिन तुम्हारे जो ये अंकल है ना वो बहुत ही कॉमन है और थोड़े से मोटे भी है, इसलिए मैं नहीं खेल पाऊंगा तुम लोग के साथ। और वैसे भी यार मुझे एक ही दिन छुट्टी मिलती है, आराम करने दो ना। डैडी को भी तो एक ही दिन की छुट्टी मिलती है। बट ही प्ले विद अस, है ना रिसी? हाँ। यार क्यों तंग कर रहे हो? तुम लोग तीन लोग हो तो आपस में खेल नहीं सकते? अंकल हमें चोर पुलिस खेलना है और उसके लिए हमें दो दो टीम बनानी होगी, पर हम तो सिर्फ तीन है। तो कोई और खेल खेल लो। अंकल आप जब भी हमारे घर में अंकल बनकर आते हो ना तो बहुत स्वीट होते हो। But you cannot play uncle uncle, very boring. अरे कौन कहता है कि मैं boring हूँ? मैं boring नहीं हूँ यार। Boring uncle. अच्छा okay, एक मिनट, क्या खेलना है बताओ? जो भी खेलना है खेलने के लिए तैयार हूँ मैं।
Come on, tell me. अंकल आपको पता है हमारी पीटी टीचर इतनी फिट है, उनके साथ हम स्कूल सीढ़ियों पे चोर पुलिस खेलते हैं, हम दौड़ते हैं और वो हमें पकड़ती है। बस इतनी सी बात, चलो खेलते हैं। रियली आपको देखकर तो लगता नहीं है। अच्छा लगी शर्त, कम ऑन। लग गई, लग गई। अबे इतना बस यार। अंकल आप ना बिल्कुल भीम की तरह, लीजिए लीजिए खाइए लड्डू। हाँ भीम जब लड्डू खाता है तभी तो उसे एक्स्ट्रा पावर मिलती है, आप भी खा लीजिए। जिद की वजह से मिस्टर कपूर को ये सब झेलना पड़ रहा है, बहुत हो गया खेल, अभी बंद कराती हूँ। ओके बच्चों प्ले टाइम ओवर। वैसे भी मम्मी ने कहा था एक घंटे के लिए खेलना अलाउ कर, तो अब आपने भी बहुत खेल लिया और आपके साथ साथ अंकल ने भी बहुत खेल लिया, तो अब हम करेंगे आज के टाइम टेबल का अगला काम, विच इज आरी। नेहा तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग यार, लगता है अजय को भी पता है आज हमारी एनिवर्सरी है। थोड़ा सा रोमांटिक मूड बनाने के लिए। क्यों पता है हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत ही बढ़िया ढाबा पता चला है मुझे यहाँ पर, हर कोई कहता है वहां का खाना इज माइंड ब्लोइंग। खाना खाएंगे और फिर एक अच्छी सी अपनी फेवरेट शैंपेन वहीं ढाबे में स्टील के ग्लास में पियेंगे, और उसके बाद एक अच्छी सी ड्राइव पे चलेंगे और फिर एक स्पेशल डिनर। I'm dying to meet Harry. अरे तुम हैरी से मिलकर बहुत खुश हो, you know, Harry की नेचर बहुत ही फ्रेंडली। ठीक है give me 15 minutes, मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंचता हूँ और फिर जो भी चेंजेस हैं दोनों साथ बैठकर कर लेते हैं। हैरी की शादी हुई है? हुई है शादी? नहीं मुझे पता था शादी नहीं हुई है, अगर शादी हुई होती ना तो उसे फैमिली के इम्पोर्टेंस का एहसास होता, पर शादी नहीं हुई है तो पता ही नहीं। शॉपिंग बैग क्या कर रहा है? ये सब हैरी के बैग में, उसने शॉपिंग की है। लो अब हैरी की वजह से तुम्हारा पर्सनल टाइम भी तुम्हारा पर्सनल टाइम ही रहा। हेलो क्या हुआ? कुछ नहीं। नेहा तुम्हारा मूड तो ठीक है, क्या हुआ क्या? नहीं आई एम फाइन। अरे यार आज हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं और इन 11 साल में 2400 घंटे तुम्हारी आवाज सुनने की आदत सी हो गई है मुझे, तो इतना साइलेंट मत रहो यार, कहीं तुम्हारा ये साइलेंस मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट तो नहीं? नेहा एक्चुअली विक्रम वापस चलते हैं। वापिस चलते हैं मतलब? मुझे मुंबई वापस जाना है। बच्चों की याद आ रही है? हाँ नेहा बच्चों की याद तो मुझे भी आ रही है, बट आई एम श्योर राम और प्रिया के साथ वो लोग बहुत खुश होंगे और बहुत मस्ती मार रहे होंगे। राम और प्रिया उनका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। देखो प्लीज गिल्टी मत फील करो, आई मीन ऑब्वियस हम इतने सालों बाद बच्चों को घर छोड़ कर निकले हैं, बुरा तो मुझे भी लग रहा है लेकिन आज हमारी एनिवर्सरी है यार, और बच्चे भी तो यही चाहेंगे ना कि हम अपना स्पेशल दिन एंजॉय करें, तो इट्स ओके। नहीं मुझे वापस जाना है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज के लिए मैंने बहुत सारे प्लान बनाए, ड्राइव डिनर यू विल रियली लाइक इट। आज यहाँ रुकते हैं, कल सुबह होते ही मुंबई के लिए निकल पड़ेंगे। नहीं वो प्लान्स कैंसिल कर दो, मुझे वापस जाना है। नेहा तुम ठीक हो? हाँ मुझे बस बच्चों की याद आ रही है। ठीक है
राज हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हारा हर हुक्म मेरे सर आंखों पे। यही मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, राइट? थैंक यू। Natasha! Really? You think so? नहीं यार, मुझे नहीं लगता वो purple designs work करेगी. They're so outdated. Natasha बेटा, नीना की down market models के लिए जरूर work करेगी. Natasha, Natasha बेटे, ओ, सरकार, दवाई देना. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.